Assalamu alaikum, 5 class. Hope you all will be fine. I'm your teacher, Iqra Rahman. And from today, we are going to start new Oxford Modern English. So, students, open your books. Unit number 1, The World in a Wall. The World in a Wall. Students, this unit is about insects. Okay, first of all, we will study about author. Writer of this unit, the writer of this unit is Gerald Durrell. Come on page number 5. Here is a yellow block. Gerald Durrell was an English naturalist, zookeeper, conservationist, author and television presenter. But he is perhaps best remembered for the books he wrote about his life as an animal collector and enthusiast. Durrell was taken to a zoo when he was very young, and he said that this was when his lifelong love of animals began. So, students, Gerald Durrell is the author of this unit. So, नेचुरलिस्ट कहते हैं जी माहिर फितरत को, ठीक है, हु स्टडीज अबाउट नेचर. जू कीपर, हु मैनेजेस जू. ओके, कंजर्वेशनिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरलिस्ट. ओके, ऑथर मीन्स राइटर. एंड टेलीविजन प्रेजेंटर मीन्स जर्नलिस्ट, यानी हु वर्क्स इन टेलीविजन एज अ रिपोर्टर. ओके, but he is perhaps best remembered for the books he wrote about his life as an animal collector. लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो उसका फोकस था, उसका फोकस किस पे था? बुक्स राइटिंग पर. और किस तरह की बुक्स की वो राइटिंग करता था? रिलेटेड टू एनिमल्स. और वो अपने इस काम के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से जाना जाता है. आज ही नहीं, अगर जेराल्ड ड्यूरल जो है वो जाना जा रहा है तो एक नाम है उसका. वो किस चीज़ पर? वो उसने जो बुक्स लिखी अपनी एनिमल्स की कलेक्शन पे, उस वजह से, ठीक है. यानी जेराल्ड को एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव था. ड्यूरल वॉज टेकन टू अ जू व्हेन ही वॉज वेरी यंग एंड ही सेड दैट ही वॉज दिस वॉज व्हेन हिज लाइफ लॉन्ग लव ऑफ एनिमल्स बिगन. यानी व्हेन ही वॉज अ यंग, जब वो बहुत छोटा था, उसको जू में चिड़ियाघर ले जाया गया और वो कहता है कि जब मुझे चिड़ियाघर तब ले जाया गया था, तब से मुझे जानवरों से मोहब्बत हो गई है, ठीक है. This is the introduction of author Gerald Durrell. Now come to page number 2. So students, here are some sight words. First one is bulbous. Fat, bulging and round shaped like a bulb. Yani bulbous kehte hain koi cheez ubri hui, theek hai. आउटवर्ड जो है उसको बल्ज कर रही हो, उसको हम कहते हैं बल्बल्स. सेकेंड, बल्जिंग उभरना, स्वेलिंग आउटवर्ड, स्टिकिंग आउट. जी, स्वेलिंग है, इसको उभरे हुई जो वो सरफेस होती है उसको हम बल्जिंग कहते हैं. कॉन्फेटिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज. जी, छोटे पेपर्स को जो है छोटे पीसेस में करके हवा में उड़ाना, दैट कॉल्ड कन्फेटी. डॉडलिंग बींग स्लो, देर करना, ठीक है. इनरैप्चर्ड एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, जिन किसी चीज़ से खुश हो जाना. इनफिनिट लिमिटलेस इम्पॉसिबल टू मैयर, लामहदूद, ठीक है. Intricate, extremely detailed and complicated. Intricate means mushkil, ठीक है, complicated. Oblivious, unaware, यानी आपको जिस चीज़ की खबर ना हो, you didn't know about it, unaware, बेहबर. Phobia, खौफ, an extreme fear of something, यानी किसी चीज़ का खौफ जो है उसको आप क्या कहते हैं, phobia. Next is predator, an animal that hunts and kills another for food.
जी एनिमल्स दैट हंट्स एंड किल्स, ऐसा जानवर जो दूसरे एनिमल को हंट करता है, शिकार करता है. प्रीडेटर मीन शिकारी, हंटर. क्वाश्ड, क्वाश्ड, रिजेक्टेड और स्टॉप्ड, रोक देना. रैपिडिटी, रैपिडिटी, मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, तेजी से मूव करना, ठीक है, मूव विद अ ग्रेट स्पीड. नेक्स्ट है रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली, विद हेजिटेशन, अनविलिंगली, विद हेजिटेशन एंड और अनविलिंगली, इन किसी चीज़ में हेजिटेट फील करना, ठीक है. रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन, एन अनइंटेंडेड अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. ओके, रिपरक्यूशन मीन एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. रूटेंट, रूटेंट, लार्ज एंड प्लम्प, लार्ज मीन, लार्ज एंड प्लम्प मीन मोटा, फ्रेश, मोटा ताज़ा, ठीक है. स्कर्टल्ड, स्कर्टल्ड, रेन विथ क्विक हेस्टी स्टेप्स, यानी तेज़ी से भागने को. ओके, हेस्टी मीन्स जल्दी से. सरप्टीशियसली, सरप्टीशियसली, सीक्रेटिवली, स्नीकली, चोरी चोरी, छुप छुप कर. ओके, दीज आर साइट वर्ड्स. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रीडिंग ऑफ दिस यूनिट. एक्चुअली स्टूडेंट्स, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, Autobiography, My Family and Other Animals by Gerald Durrell. Yes, here is a word, autobiography. Autobiography means to someone who wrote about his life. So that's why it's called autobiography. Or means यानी कोई इंसान अपनी खुद की लाइफ के बारे में जब वो खुद से ही लिखता है, पूरी लाइफ, अपनी पूरी जो लाइफ है उसके बारे में बताता है, लिखता है, उसको हम कहते हैं autobiography. लेकिन जब कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे इंसान की लाइफ के रिलेटेड कुछ लिखता है तो उसको हम सिर्फ कहते हैं बायोग्राफी. ओके, ये याद रखने. एक्सट्रैक्ट, Another word is extract. Extract means इक्तबास, यानी जो हमारी ये यूनिट है, it's an extract. Okay, ये extract जो है वो हम Gerald Durrell की जो autobiography है जिसका नेम है My Family and Other Animals, यानी जो उसने अपनी फैमिली और अपने pets, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपने जब introduction देखा है Gerald का, उसमें उसने बताया कि when he visited zoo for the very first time, he had fallen in love with animals. Okay, so next is Durrell was an expert in studying animals. When he was 10 years old, Durrell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. So yes, expert, expert mean mahir, in which he was expert. Durrell was expert in studying animals. यस, ड्यूरल जो है वो एनिमल्स को स्टडी करने में एक्सपर्ट था. जब वो 10 साल का था, व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, ड्यूरल हिज ओल्डर सिबलिंग्स, ओल्डर सिबलिंग्स मतलब बड़े बहन भाई, यानी ड्यूरल, उसके बड़े बहन भाई एंड हिज मदर और उसकी माँ, मूव टू कॉर्फू. कॉर्फू जो इज़ द नेम ऑफ प्लेस इन ग्रीस, यूनान में एक जगह है जिसका नाम कॉर्फू है, या जहाँ ये पूरी फैमिली मूव कर गई टू लिव विद ड्यूरल्स ग्रोन अप ब्रदर, जहाँ पर उसका ग्रोन अप मतलब बड़ा भाई लैरी रहता था, उसके पास ही पूरी फैमिली मूव कर गई. वहाँ जाकर ड्यूरल ने जो है वो एनिमल्स को एज अ पेट रखना शुरू कर दिया. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. Yes, crumbling. Here is a word, crumbling. Crumbling means
ख़राब, हस्ता हाल, यानी कोई चीज़ जो है वो ख़राब हुई हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रम्पल्ड, क्रम्पलिंग वॉल, ख़राब दीवार, हस्ता हाल दीवार। सराउंडेड झील, जिस घर में जेरल्ड रह रहे थे, ठीक है, उस घर की जो पिछली दीवार थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, और जेरल्ड कह रहे हैं कि वो दीवार इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, वो मेरे लिए एक शिकार के तौर पर शिकार बन रही थी, यानी उसमें मेरे लिए शिकार मौजूद था। सो वाई ही कॉल्ड इट हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, उसने ऐसा क्यों कहा कि हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, दैट मीन्स देयर आर देयर were some insects inside the wall, and you have already know that Gerald had great love for animals and insects, yani us deewar mein kafi sare keede mukode insects jo hai wo maujood the, isi wajah se Gerald ne jo hai wo kaha ki wo mere liye ek shikar hai. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss. Yes, ancient, purani, ancient का मतलब है पुरानी, old, moss, moss कहते हैं जी algae लग जाना, fungus लग जाना, ठीक है, उसको हम moss कहते हैं. Yes, वो अब कह रहे हैं कि वो जो दीवार थी बहुत पुरानी ईंटों की बनी हुई थी, ठीक है, जिसको plastered, plastered mean प्लस्तर करवाना, ठीक है, प्लस्तर करवाया गया, और अब Now this outer skin was green with moss, और अब उसकी जो हालत थी वो क्या थी कि उसके ऊपर काई फंगस लग चुकी थी, एल्ची जो है वो ग्रो कर चुकी थी, सो अब उसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका था. Bulging and sagging with the damp of many winters. दीवार जो है वो हरी ग्रीन कलर की हो चुकी थी. बल्जिंग एंड सैगिंग, सैगिंग मीन हरा, बल्जिंग यानी उभर के बाहर, यानी वो उसको एल्जी और फंगस लगने की वजह से वो उभरी हुई थी, और जो पानी था सर्दियों का जो पानी है डैम वाटर जो होता है, ठीक है, वो जो उस पानी की वजह से वो दीवार ख़राब हो चुकी थी. The whole surface was on intricate map of cracks, some several inches wide, others as fine as hairs. Here and there, large pieces had dropped off and revealed the rows of rose-pink bricks lying beneath. जी, उस दीवार पर क्या था जी, क्रैक्स, क्रैक्स कहते हैं दरारों को, क्रैक्स किसको कहते हैं, दरारों को. अब उस पर इस कदर क्रैक्स थे, इतने ज़्यादा क्रैक्स थे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. वो इंट्रिकेट, यहाँ पर देखा हमने वर्ड, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया कम्प्लिकेटेड, ठीक है, उसकी जो सरफेस थी बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, उस पर क्रैक्स का जो है वो एक मैप, नक्शा बन चुका था, जिसमें से कुछ जो दरारें थी वो बहुत छोटी थी, ठीक है, और कुछ जो थी वो बहुत वाइड यानी चौड़ी थी, बड़ी थी क्रैक्स. हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ, जहाँ उस दीवार से अब कुछ जो प्लास्टर था, ठीक है, प्लास्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया था, और जब वो उतर गया तो क्या, रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब है ज़ाहिर होना, ठीक है, रिवील्ड का मतलब है ज़ाहिर होना. द रोज़ ऑफ रोज़ पिंक ब्रिक्स लाइंग बेनीथ, उसके नीचे से जो रोज़ पिंक यानी गुलाबी रंग की जो ईंटें हैं वो अब सामने नज़र आना शुरू हो गई थी. द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड लॉट, एंड दे वर डिवाइडेड इन टू डे एंड नाइट वर्कर्स, the hunters and the hunted. Yes, inhabitants, inhabitants कहते हैं रहने वालों को, ठीक है, habitants, habitat कहते हैं मस्कन यानी जगह जहाँ पर रहते हैं, inhabitants उस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, जो insects वगैरह हैं उनको हम क्या बोलेंगे, inhabitants. of the wall यानी उस दीवार के जो रहने वाले, दीवार में जो रहने वाले थे और मिक्स हो, यानी वो एक ही टाइप के, एक ही स्पीशी के इंसेक्ट्स नहीं थे, देर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग इन द वॉल, एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, द हंटर्स एंड हॉन्टेड. हंटर्स मीन शिकार करने वाले, हॉन्टेड मीन जिनका शिकार किया जाता है, ठीक है, अब वो डे एंड नाइट
कुछ जो इंसेक्ट्स थे वो दिन के टाइम उस उन क्रैक से बाहर आते थे, और कुछ जो थे वो नाइट टाइम में उन क्रैक से बाहर आते थे. एट नाइट द टोड्स एंड गीकोस वर द हंटर्स. जी, नाइट मतलब रात को कौन बाहर आते? टोड्स और गीको. गीकोस मीन कॉमन लिजर्ट, कॉमन लिजर्ट दैट फाउंड इन आवर होम. टोड्स मीन टोड्स और गीकोस जो कॉमन लिजर्ट्स वगैरह, ये कब जो है उन क्रैक से स्टेप्ड आउट होते थे? शाम को, रात को. हंटर्स, और ये क्या थे? हंटर्स थे, यानी शाम के वक्त शिकार करते थे. देयर प्रे वॉज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज मॉथ्स of all shapes and sizes and rotten beetles hurrying with their night's work. जी, अब इनका शिकार, प्रे जो है कहते हैं शिकार को, ठीक है. अब इनका शिकार, ये किस चीज़ का शिकार करते थे? Was the population of stupid absent minded crane flies, यानी जो उस टाइम पर flies, यानी किस flies की जो species है, मक्खियों की जो species है, वो उस वक्त जो बेवकूफ़ वो उनको कंपेयर कर रहे किससे, वो कह रहे हैं उनको स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज, यानी उस वक्त जो फ्लाइज होती थी वो उनका शिकार थी. मॉथ्स कहते हैं जी पतंगों को, हर तरह की हर स्पीशी के जो मॉथ्स हैं. रूटेन बीटल्स हरिंग विद देयर नाइट वर्क्स, और जो बाकी कीड़े मकोड़े जो रात के वक्त काम के लिए बाहर निकलते हैं, ठीक है, उनका जो शिकार है वो कौन करते थे? लिजर्ड्स और टोड्स. By day, it was difficult to tell the difference between the prey and the predators. Everything seemed to feed off everything else. The hunting wasps searched out caterpillars, the flies and the swift multicolored wall lizards fed off everything. यानी वो कह रहे हैं कि ड्रैगन फ्लाइज कहते हैं जी, ये पतंगे होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाइज. कैटरपिलर्स मीन लार्वास, ओके, लार्वास. वो कह रहे हैं कि दिन के टाइम प्रे और प्रीडेटर, शिकारी और शिकार में डिफरेंस करना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि दिन के टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपनी क्रैक से बाहर आते थे. इसी तरीके से लिजर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी उन कीड़ों को, कुछ उन कीड़ों को खाती थी और कुछ कीड़ों को दूसरे जो थे एनिमल इंसेक्ट्स वो खाते थे. बट माई फेवरेट्स were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. यानी अब वो जो डरल जो है वो कह रहे हैं कि जो मेरी फेवरेट, shyest mean शर्मीला, ओके, शाय फील करना, शर्मीला, जो उसके फेवरेट जो थी, जो इंसेक्ट थे वो किसी अटेंशन, मतलब किसी तारीफ के काबिल, किसी तारीफ को जो है किसी तारीफ के मुंतजर नहीं थे. दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स. Crouching beneath it would be a little black scorpion on an inch long, looking as though they were made out of polished chocolate. जी, उनके फेवरेट जो हैं वो कौन थे? स्कॉर्पियन, बिच्छू जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन थे. और जो डरल था उसको इस तरीके के जो डेंजरस इंसेक्ट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था. यस, जेरल्ड बताते हैं कि वैसे तो ठीक है, कॉमनली ये आपको ये नहीं दिखाई देगा, जो स्कॉर्पियन है ये आपको इजीली नहीं दिखाई देगा. अगर आप किसी वॉल का प्लास्टर या कोई ईंट
ठीक है, ब्रेक उठाते हैं तो उसके नीचे आपको क्राउचिंग बीनीथ इट, यानी आप उसमें, द क्राउचिंग मीन दबका हुआ, ठीक है, छुपा हुआ, यानी वहाँ पर आपको स्कॉर्पियन जो है वो मिल जाएगा। दैट वुड बी ब्लैक स्कॉर्पियन, जो ब्लैक कलर का होगा और उसका साइज जस्ट 1 inch होगा और वो इस तरीके से दिखाई देगा जैसे वो चॉकलेट से पॉलिश किया गया हो। ओके, चॉकलेट से पॉलिश किया गया हो। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो रीडिंग है वो यहीं तक है। You have to read it very carefully. If you feel any kind of trouble, then write it in comment box. Okay, students, take care and Allah Hafiz.